हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टैरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस पीपल, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखते हैं कैसा रहेगा दिसंबर मंथ फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। राइट नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज वॉचिंग, सो प्लीज टेक बट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए ये दिसंबर महीना कैसा जाने वाला है फॉर देयर करियर एंड देयर लव लाइफ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए सैजिटेरियस साइन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Somehow I'm feeling that you are doing good in your career or love life. Maybe you have options, right? Let's find out kya hai for your love life and career for all the Sagittarius people month of December. Okay, let's see. ओके, सो आप कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या मे बी जगलिंग हो सकता है, आपके पास ऑप्शंस हैं। रिकंसिलिएशन इज आल्सो इंडिकेटेड विद योर पार्टनर। ये भी हो सकता है आप कुछ होपलेस फील कर रहे थे इन द सिचुएशन, राइट? और कुछ हो सकता है आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो या समथिंग लाइक दैट, या लोगों की वजह से कुछ हुआ हो, समथिंग वाज बॉदरिंग यू, और जिसकी वजह से आप वीक सेम फील कर रहे थे, बंधा हुआ फील कर रहे थे, लाइक चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इन द सिचुएशन। सो नाउ आप हो सकता है लाइक यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, आपको आप नंबर्स देखते हो, और मे बी हो सकता है कि आपको लाइक गाइडेंस मिलती है फ्रॉम लाइक कुछ मे बी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, हो सकता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, राइट? या अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो। नाउ फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइक मे बी हो सकता है लाइक जगलिंग समथिंग लाइक दैट बिटवीन, मे बी हो सकता है चॉइसेस हो या कुछ है इन लव, राइट? और आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ इमोशंस, वी हैव टू ऑफ कप्स, राइट? सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करे देयर लव, या आप उनको ऑफर करें, और हो सकता है आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो इन दिसंबर मंथ, राइट? आप लोग लाइक हो सकता है कि कुछ लेटली कुछ था किसी चीज़ की वजह से रिजिस्ट कर रहे थे, राइट? फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, कोई यहाँ रिजिस्ट कर रहा था आगे सोचने के लिए, डर रहे थे या नहीं आगे आ रहे थे या समथिंग लाइक दैट। लव लाइफ में कुछ था जो उनको बॉदर कर रहा था, जिसकी वजह से वो मे बी हो सकता है कि स्टेप नहीं ले पा रहे थे या ऑफर नहीं कर पा रहे थे देयर लव टू देयर पार्टनर, समथिंग वॉज लाइक दैट, और जिसकी वजह से वो बाउंड फील कर रहे थे। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, राइट? सो कुछ ना कुछ था बाउंड कर रहा था उनको, जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहे थे। देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, समथिंग इज स्नीकी या समथिंग वॉज स्नीकी, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा था जो लाइक कुछ अपने आप तक लाइक वो कहते हैं ना हिडन सीक्रेट्स, या कुछ अपने आप तक रख रहे थे, राइट? बट क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। वी हैव द सन कार्ड, राइट? सो फॉर ऑल द लाइक सेजिटेरियस पीपल, आप हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, कि आपको कोई ऑफर मिले इन लव, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ऑफर करें, या आप लोगों का रिकंसिलिएशन हो। डेफिनेटली मुझे दिसंबर मंथ में यही दिख रहा है। मे बी हो सकता है कोई यहाँ अपने तक रख रहे थे बातें, कोई सीक्रेट्स अपने तक रख रहा था, और जिसकी वजह से समबडी वॉज फीलिंग लाइक होपलेस,
फाइव ऑफ कप्स, लाइक दे वर फीलिंग लाइक, बट उनको ये नहीं पता था कि उनके लाइक होपलेस फील कर रहा था कोई, टू कप्स है राइट पीछे, और वो टू कप्स ये हैं राइट, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं देयर लव और इमोशंस हैं आप लोगों का, लाइक हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो राइट, वी हैव टू टू टू, सो आप बहुत लोग आप लोगों में से नंबर देखते होंगे, और आप लोगों को लाइक हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल हो या किसी से कुछ राय लेते हो या किसी से पूछते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, या अपने पर्सन के लाइक रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे तो रिकन्सिलेशन होती हुई नजर आ रही है, यू आर लाइक डिवाइनली गाइडेड, वी हैव 777 एंड देन वी हैव टू 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 राइट, सो डिवाइन आपके साथ है और आप अपने पार्टनर को जरूर, आप लोगों का रीयूनियन जल्दी ही होने वाला है राइट, वी हैव अ सन कार्ड, सो सन इज शाइनिंग अपॉन यू राइट, और आप यू आर लाइक वेरी कोई अब लाइक कोई अब इस रिलेशनशिप में लाइक बहुत कॉन्फिडेंट है और आगे बढ़ना चाहता है, और आपको मे बी हो सकता है ऑफर करना चाहता है देयर लव राइट, वी हैव गाइडेंस अगेन एज आई टोल्ड यू, आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम योर एंजल्स, और ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, इट्स लाइक अ जस्टिस कार्ड 11 नंबर राइट, सो 11 अगेन इट्स लाइक अ नंबर ऑफ लाइक अ ट्विन फ्लेम नंबर और अ लाइक अवेकनिंग राइट, आपको वेकअप कॉल दी जा रही है, आप नंबर्स देखते होंगे, आप उन नंबर्स को फॉलो करें और देखें कि आपको भगवान क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, मे बी आपको आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि यू डोंट हैव टू वरी, मे बी हो सकता है लेटली आप बहुत परेशान हो या रिस्ट्रेन फील कर रहे हो फॉर ऑल द लियो पीपल राइट, बट अगेन स्पिरिचुअल नंबर 7 राइट, तो जैसे कहते हैं ना कि लाइक आप एक देख सकते हैं शी इज़ अ लेडी और उसके अपने वॉर्म में उसकी बेबी है एंड चीज जो वो ग्रो कर रहा है राइट, सो यू हैव टू लाइक बी पेशेंट, एवरीथिंग विल हैपन ऑन डिवाइन टाइमिंग राइट, वी हैव पॉसिबिलिटीज अगेन, सो आप लोग डेफिनेटली वी हैव अ लवर्स कार्ड एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स, तो आप अपने ट्विन के साथ ही डील कर रहे हैं, काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ लाइक वो कहते हैं ना लाइक बहुत आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है और आप उनका वेट कर रहे थे राइट, और रीयूनियन चाहते थे तो रीयूनियन नज़दीक ही है, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको फॉलो करते जाए, इनर वर्क करते जाए, इनर वर्क करते जाए, एंड जो आपने पेशेंस रखी हुई है अभी तक राइट, बस अपने आप में बिलीव करें एंड ब्रेक थ्रू, जस्टिस इज नियर राइट, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग होने वाला है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, और कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, एंड मुझे लग रहा है कि जो भी अगर कोई कोई चीज़ें थी जो उनको पुल बैक कर रही थी आपके पर्सन को, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी थी या समथिंग लाइक दैट, हो सकता है थर्ड पार्टी हो या कुछ फैमिली इशूज़ हो या कोई थी चीज़ें जो उनको होल्ड बैक कर रही थी, डेफिनेटली वो हो सकता है आपको आके ऑफर करें देयर लव, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल हो या कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर हो। अगर हम करियर की भी बात करें तो मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ आप किसी के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हैं, हो सकता है मल्टीटास्किंग करें, कुछ ना कुछ नया लाइक बिजनेस करें, जॉब करें साथ ही लाइक, और मे बी हो सकता है वेरी कॉन्फिडेंट किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट पे काम करें राइट, हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ लाइक कुछ हो जो आपको लाइक कोई बात कर रहा हो या समथिंग लाइक दैट, और मे बी हो सकता है समबडी वॉज इन लाइक कोई जैसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे या आपको आउटकास्ट कर दिया गया हो या समथिंग लाइक दैट, वी हैव 7 of Swords, तो हो सकता है कुछ स्नीकी हो रहा हो या आपको आउटकास्ट किया हो या आप लोगों को लाइक थोड़ा सा आपको आउट फील हो रहा हो इन द सिचुएशन राइट, और मे बी जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से लाइक अपने आप को लाइक थोड़ा सा पुल बैक कर रहे थे और अपने आप को रीस्ट्रेन कर रहे थे और थोड़ा सा लाइक आपने अपने आप को वो पुल बैक किया हुआ था, बट यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव लाइक यू जस्ट डोंट लूज होप राइट, कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ लाइक हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं, सेलिब्रेशन हो सकती है एट वर्क प्लेस, हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो वर्क प्लेस पे जो आप अभी किसी को नहीं बता रहे, डेफिनेटली किसी के साथ मिलके कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको जो आप अभी किसी को नहीं बता रहे, सो आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मे बी जस्टिस का वेट कर रहे थे राइट, हो सकता है आप चाहते थे कि आपके हक में कुछ ना कुछ फैसला आए और आप कुछ डिसीजन ले या समथिंग लाइक दैट, हो सकता है तो कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है अगेन, कुछ ना कुछ मिलके काम कर रहे हैं एज आई टोल्ड यू, और पॉसिबिलिटीज़ यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं राइट, और मे बी हो सकता है किसी के थ्रू किसी से गाइडेंस ले रहे हों और कुछ आइडिया कुछ हो सकता है कुछ नया कर रहे हों एट वर्क स्पेस या
समथिंग ऑफ लाइक समथिंग इज बिगनिंग, एक नया बर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, या हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन पे आ जाएं, किसी लाइक हो सकता है किसी पोजीशन के लिए आप वर्क हार्ड कर रहे थे, या कोई उसमें कोई हो सकता है कि किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन था, राइट, और आप उस पर कुछ काम कर रहे थे और आप चाहते थे कि आपको पोजीशन मिले. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैव, सो वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी लाइक हो सकता है अच्छी पोजीशन पे हो आप, या कुछ लाइक डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा नया बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है एट वर्क फ्रंट ऑल्सो. हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ हो और आपने कोई टारगेट अचीव किया हो किसी के साथ मिलकर, और आपको लाइक आप उस पर सेलिब्रेट करें, मे बी हो सकता है अभी आप किसी को उस बारे में नहीं बता रहे थे, राइट. सो ये था फॉर ऑल द सजिटेरियस पीपल. आप लोग डिवाइन आपके साथ है, आप लोगों को हो सकता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हो सकता है आपको नंबर दिखाई देते हो फॉर लाइक फ्यू ऑफ पीपल. कुछ ना कुछ हो सकता है कि न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है दिसंबर मंथ में, और कोई था जो आप लोग लाइक मे बी किसी का वेट कर रहे थे, या कोई टारगेट था, अगर वर्क फ्रेंड की बात करें, कोई टारगेट अचीव करना था, या किसी के साथ बिजनेस कुछ नया स्टार्ट किया आपने. सो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, ब्राइटनेस आती हुई दिखाई दे रही है, एंड डिवाइन इज विद यू, राइट. सो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव इन वट एवर यू आर डूइंग, और डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होती हुई नजर आ रही है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द सजिटेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट. थैंक यू सो मच.